हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमद् भगवद् गीता का चैप्टर 2 का सेक्शन 5 का आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार में इंद्रिय तृप्ति से परे और एक मार्ग है और एक गोल है जिसके लिए हमें जीना चाहिए, उसको कहते हैं मुक्ति, लिबरेशन। अर्जुन को जनरल भगवान पहले कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नष्ट होने वाला है, यह निश्चित है, इसलिए आप युद्ध करो। बाद में कहते हैं आत्मा को विश्वास आप नहीं करते हो, केवल शरीर केमिकल कंपोजिशन मानते हो, तो भी आप चिंता मत करो क्योंकि केमिकल पहले था, शरीर में अभी है और मृत्यु के पश्चात एनवायरमेंट में रहेगा, इसलिए चिंता मत करो, युद्ध करो। पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त है जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, फिर से मृत्यु के पश्चात अव्यक्त हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, युद्ध करो। बाद में कहते हैं कि स्वर्ग जाना है इसलिए युद्ध करो, फिर कहते हैं धरती पर राज करना है इसलिए युद्ध करो, बाद में कहते हैं कि अपना मान सम्मान के लिए युद्ध करो। अर्जुन बोलता है ये सब के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा दायित्व तो बहन नहीं करूंगा, मुझे और एक कुछ उपाय है क्या, इससे भी कुछ हायर चीज है क्या जिसके लिए मैं युद्ध करूंगा, अपना दायित्व तो को बहन करूंगा। तो भगवान कहते हैं हाँ, उसको क्या कहते हैं मुक्ति। वैकुंठ जाने के हमें जनरली संसार में क्या करना चाहिए, अपना दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। तो चेन्नई लोग कहते हैं कि जब भगवान को प्राप्त हमें करना है दुनिया में छोड़ देना है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं मुझे जो प्राप्त करना चाहता है, दुनिया बनाने वाले को आपको प्राप्त करना है तो दुनिया में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा दुनिया बनाने वाले के लिए, अपने लिए, उसको हम क्या कहते हैं मुक्ति कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया तथा युद्धाय विजयस्य नैव पापं भवासि, सुख और दुख में समभाव रखिए, लाभ और अलाभ में समभाव रखिए, जय और पराजय में समभाव रखिए। इस प्रकार आप जीतते हैं तो आपको रिएक्शन नहीं मिलता है, कर्मों का रिएक्शन आपको नहीं मिलता है, और इस पथ में कुछ हानि नहीं है। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है, कंप्लीट इस लाइफ में नहीं कर पाया तो नेक्स्ट लाइफ से वहां से आप स्टार्ट करते हो, इसलिए उसमें हानि कुछ नहीं। और लोग इसको प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है, स्वर का इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है, वेद में जो अट्रैक्शन दिया गया है उसके प्रति आकर्षित है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, व्यवसाय आदमी का बुद्धि को प्रयोग नहीं कर पाते, डिटर्मिनेशन का स्थिर नहीं रहता है भक्ति के लिए। और जो भोग में लिप्त रहता है वो व्यक्ति जनरली भक्ति नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि भोग भक्ति का जो एबिलिटी है, इंक्लिनेशन है, कन्विक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करता है नष्ट कर देता है। जिस प्रकार विष जीवन को नष्ट करता है, शरीर को नष्ट करता है, वैसे विषय कृष्ण चेतना को क्या करता है नष्ट कर देता है, ये नेचुरल है, विष जो है शरीर को नष्ट कर देता है, ये नेचुरल है, वैसे भोग भगवान की भक्ति कृष्ण का भक्ति को नष्ट कर देता है, इसलिए भोग से बचना चाहिए। तो अर्जुन पूछता है वेद में भोग के बारे में लिखा गया है, उसको फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या करो, तो भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेद नैस्त्रैगुण्य भवार्ज, विष वेद जो है तीन गुण के विषय में वर्णन करता है, उससे ऊपर आप चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो मजा आएगा, भोग मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति भी होगा, भगवान कहते हैं इंद्रिय तृप्ति भी होगा मुक्ति भी होगा, यावन अर्थ उदापान सर्वान संप्लुत भूतोगे। जिस प्रकार एक कुआ का एक्टिविटी एक नदी में आराम से फुलफिल हो सकता है और अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार वेद का पर्पज, मुक्ति का पर्पज के लिए आप जब जीते हो, भक्ति के लिए जीते हो, आपको भोग भी मिलेगा भगवान भी मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत है। ओके, अब
अभी क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें? अभी तक आपने बताया नहीं। टुडेज वर्स, वर्स नंबर 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स जो कि आज हम डिस्कशन करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिस समता, हाउ टू प्रैक्टिस भक्ति, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस फ्री आप होना चाहते हो तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। वर्स नंबर 47, कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुः, मा ते संगस्तु कर्मणि। हरे कृष्ण। Translation: we have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of your action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. तो ये जो भर्स है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस भर्स को जो आत्मसात जीवन में कर दिया, वो व्यक्ति जीवन में आत्म साक्षात्कार कर दिया, इसलिए फेमस वर्स है, पहले भी आप सुने रहे, ओके, बट इसका डिस्क्रिप्शन आप सुने नहीं, जो कि आज हम देखें, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिए। तो यहां पर भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारति, कर्म करने की अधिकार आपके पास, मा फलेषु कदाचन, कर्म का फल का अधिकारी आप नहीं है। मा कर्म फल हेतुः, और कर्म का जो कारण है, फल का जो कारण है, आप नहीं है। मा ते संगस्तु अकर्मणि, और कर्तव्य नहीं करना है इसलिए विचार मत करो। तो ये चार पॉइंट भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि कर्मणि एव अधिकारते, ड्यूटी इज योर राइट, ओनली राइट वी हैव इन आवर लाइफ, दैट इज ड्यूटी। आजकल सब राइट के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन्स राइट, मेन्स राइट, इक्वल राइट, यानी इक्वल फाइट, You understand? सब राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पर जितने भी राइट के बारे में बात कर रहे हैं वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। और राइट क्या करता है? रायट्स करता है, दंगा उत्पन्न करता है। हिंदूस राइट, मुस्लिम्स राइट, क्रिश्चियंस राइट, दलित का राइट, ठीक है, स्टूडेंट्स का राइट, बच्चे का राइट, सब राइट राइट राइट, एंड ऑलवेज फाइट। भगवान एक ही राइट दिया है आपको, और कौन सा राइट नहीं, बाकी सब रॉन्ग है। तो एक राइट क्या है? कर्मणि एव अधिकारेतु, कार्य करने की राइट आपके पास है, और कुछ राइट आपके पास नहीं है। इसीलिए ये कॉन्शियसनेस में जो कार्य करता है वो जनरली वेल एस्टैब्लिश्ड, मा फलेषु कदाचन, हम देखेंगे आगे जाके। बट आपका एक ही राइट क्या है? कर्म करना, ड्यूटी करना, कर्तव्य करना। तो ड्यूटी और कर्तव्य मतलब क्या है? केवल पैसा कमाने का नहीं, लोग सोचते फल मतलब पैसा, मनी, पैसा के लिए काम करना है, वो एक पार्ट है। कर्म फॉर मनी, ड्यूटी फॉर मनी, दैट इज वन पार्ट, ड्यूटी फॉर हेल्थ दैट इज अनदर पार्ट, ड्यूटी टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस वो भी ड्यूटी है, ड्यूटी टू सर्व पेरेंट्स नेशन, ओके ना, वो भी क्या है? ड्यूटी है। तो संसार में जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, यू अंडरस्टैंड ना, तो वो कर्म में आता है। यहां पर भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारते, आपका कर्म करने की राइट है। तो बोलते हैं ना आजकल लोग, कर्म ही पूजा है, इसमें कर्म करते हो, भक्ति मत करो,
क्या करना है, कर्म करो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा कार्य करते रहो, क्यों, कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, भगवान है ही कर्म ही भगवान है। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं डंकी फिलोसफी, ओके ना, गधे के लिए कर्म ही क्या है, पूजा है, कर्म ही भगवान है, पूजा ही कर्म है, कर्म के अलावा उसको और कुछ पड़ी नहीं, दैट इज क्या है, डंकी। तो जो भगवान को छोड़कर केवल कर्म के पीछे पड़ते हैं वो व्यक्ति क्या है, डंकी जैसे। और डंकी से कुछ अच्छा भी हम सीख सकते हैं। एक बार एक वेस्ट बंगाल के एक पॉलिटिशियन ने प्रचार करते समय ऐसे बोल दिया, गुजरात के गधे। तो गुजरात का जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने उसका आंसर दिया, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होता है वो व्यक्ति गधे से भी कुछ सीख सकता है। गधे का स्पेशल क्वालिटी है लॉयल्टी, अपने मालिक के प्रति वो लयाल है, मालिक का विश्वस्त है। गधे को क्या करते हैं, मालिक उसके ऊपर गोली डाल देता है और उसको छोड़ता है डेस्टिनेशन पे, जा तू उधर रख के आ जा, मालिक उसके साथ में जाने की जरूरत नहीं, गधे जाएगा उस डेस्टिनेशन पे जाके खड़ा हो जाएगा, किधर नहीं जाएगा। ये है गधा, सीख सकते लॉयल्टी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकेंड गधे से हम सीखते हैं स्पेशलिटी, आप देखेंगे कि गधे का और एक एक्टिविटी है कि नो कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करते हैं, मुझे ज्यादा काम दे दिया लेकिन नहीं, इसको कम काम दिया है, नो कंप्लेन। तो ये भी एक अच्छा क्वालिटी जो गधे से हम सीख सकते। सेकेंड थर्ड है टॉलरेंस, सहन करता है, धूप में काम करता है, ठंडी में काम करता है, बारिश में काम करता है, 8 घंटा क्या है 24 आवर काम कर सकता है, इसलिए वो उन्हें करता है टॉलरेंस। ये गधे से हम सीख सकते हैं। पर गधे का और एक स्पेशलिटी, सिंपल लाइफ, सरल जीवन है, इतना काम करता है लेकिन क्या खाता है, घास खाता है। गधे को जनरली संस्कृत में कहा गया है वैशाख नंदन, वैशाख ग्रीष्म ऋतु को, समर सीजन को देख के गधा खुश हो जाता है, क्यों मालूम, क्यों समर सीजन में जो घास खाने के लिए जब वो ग्राउंड में जाता है देखता है घास है ही, तो गधा सोचता है मैं पूरा घास मैंने ही खा लिया, ऐसा सोच के गधा खुश हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है वैशाख नंदन। लेकिन समर सीजन में उसको मजा आता है क्योंकि ज्यादा खाने, यू अंडरस्टैंड, सिंपल सरल आदमी हो, यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार हमें सिंपल जीवन जीना चाहिए। और गधा का एक स्पेशल है नॉन एनवियस नेचर, अपना मास्टर को घृणा नहीं करता है, तिरस्कार नहीं करता है, भय से भाग नहीं जाता है। कोई भी पशु के ऊपर आप गोली रख दो और उसको छोड़ दो वो अपना दिशा में जाएगा, लेकिन गधा जो है ना उसके ऊपर गोली रख के छोड़ दो, मास्टर जिधर दिखाया रहेगा उधर ही जाके खड़ा रहेगा, दिन भर भूखा खड़ा रहेगा लेकिन जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, गधे कहते हैं। ये सीख सकते। और गधे का स्पेशलिटी क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं, भेदभाव उसमें नहीं, ऊंच नीच का भावना नहीं, वो मास्टर को बोलता नहीं है मेरे पीठ पे सोने का गोनी रखना, चूना का गोनी मत रखना, सोना हो या चूना हो गधा लेके चलता है, इसलिए कौन है गधा है। बट इस प्रकार वो पॉलिटिशियन कहते हैं गधे से हम सीख सकते हैं। और गधे से जो ये सीख गया, गधा ही एक व्यक्ति है वो जानता है कर्मणि एव अधिकारते,
ओके ना दैट इज गॉड गॉड नोस वेरी वेल दैट कर्म करना ही मेरा अधिकार है। और जो व्यक्ति संसार में कथा बन जाता है वो संसार में सुखी बन जाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? कर्म नहीं है वो अधिकार से। मैं झूठ बोल रहा हूं? राइट बोल रहा हूं ना? What right is there? Karma neva adhikar. If you follow the principle of loyalty, no complaint. और एक भूल गया, satisfied. कथा satisfied रहता है, सुखी रहता है, ज्यादा कुछ research search नहीं करता है, बाकी animal जैसे, you understand? Satisfied. ये quality हमारे पास रहेगा, आप loyal हो अपना activity के प्रति, no complaint, satisfied, tolerant, simple life. No discrimination, non-envious nature, सुखी सुखी। मनुष्य के पास loyalty नहीं, complain करता रहता है, satisfied भी नहीं, discrimination करता रहता है, simple life जीने की इच्छा नहीं करता है, ईर्ष्या करता रहता है। इसलिए हम कौन है? गधे से भी तुझसे है। गधा खुश है लेकिन मनुष्य दुखी है। इसे गद्दे में क्वालिटी, और जिस व्यक्ति के पास क्वालिटी है वो व्यक्ति जनरली जीवन में क्या हो सकता है? सुखी हो सकता है। बट द मेन पॉइंट इज दैट फोकस ऑन ड्यूटी। आप केवल ड्यूटी के ऊपर, कर्तव्य के ऊपर फोकस करो। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यहां पर कर्मणीय अधिकार का अर्थ है वेद शास्त्र में जो कर्तव्य आपका स्थिति के अनुसार बताया गया है उसको करना, दैट इज एक्चुअली क्या है? कर्म। तो आप संतान हो, पुत्र हो, तो पुत्र का ड्यूटी है, पिता का ड्यूटी है, माँ का ड्यूटी है, हस्बैंड का ड्यूटी है, वाइफ का ड्यूटी है, गुरु का ड्यूटी है, राजा का ड्यूटी है, क्षत्रिय का ड्यूटी, ब्राह्मण का ड्यूटी, ये ड्यूटी के ऊपर ही फोकस कर। तो क्या फायदा होता है? अब जो ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हो, आपका जो कंसेंट्रेशन पावर है कर्म के ऊपर 100% रहता है। जो फल के ऊपर आपका दृष्टि आता है तब आपका फोकस क्या हो जाता है? कंसेंट्रेशन पावर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इसलिए आप ड्यूटी के ऊपर फोकस करते हो तो फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। फल का चिंता करते करते कभी कभी ड्यूटी छोड़ देते हैं। अर्जुन यहां पर ये कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है? फल का चिंता है। फर्स्ट चैप्टर मतलब क्या है? फल के बारे में अर्जुन बता रहा है, युद्ध करूंगा तो समृद्धि मर जाएगी, स्वजन ही मर जाएगी, सुख की दर है, राज्य में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे युद्ध करना नहीं है। तो फल का आप चिंता करते हैं तो आप कर्म करने की शक्ति को हरा बैठते हैं, हार देते हो, कर्म करने का शक्ति नष्ट हो जाए। फल के बारे में आप चिंता करोगे तो फल मान लो पेनफुल रहेगा तो आप ड्यूटीफुल नहीं हो सकते। जनरली आप क्या करोगे? कर्म को छोड़ ही दो। अर्जुन का क्षेत्र भी है, अर्जुन फल के बारे में सोचा, इसलिए अर्जुन जनरली युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। क्यों? पेनफुल है फल उसका। राजा भी बन सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन पेनफुल होता है उसके, क्योंकि उसका स्वजन मर रहा है। इसलिए फल को आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप अपना ड्यूटी को भी त्याग कर सकते हैं, जहां पर अर्जुन यहां पर नहीं कर रहा है। फल को फोकस करें तो भय भी उत्पन्न होता है, ठीक है? तो आपको फर्स्ट क्लास बनना है, ओके? तो उसके ऊपर आप फोकस, उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हो तो आपको मन में कभी कभी डाउट आता है, सेकेंड क्लास हो जाऊंगा तो, थर्ड क्लास हो जाऊंगा तो, एक मार्क कम हो जाएगा तो भयभीत होते हैं। और उससे जनरल आप क्या कर पाते हो? क्या नहीं कर पाते? अपना स्टडी के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए कर्मणि एव अधिकार होते। गली में जो क्रिकेट खेलते हैं ना उनको ज्यादा मजा आता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। आपके स्टेडियम में लोग भरे हुए हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हो, मजा आता है? प्रेशर नहीं है। गली का क्रिकेट जबरदस्त, आउट हो गया तो ज्यादा मजा।
क्यों मैं आपको फल के ऊपर आप निर्भर नहीं कर रहे हो, फल का अपना फोकस नहीं है। क्या फोकस है आपको? खेलना है, टाइम पास करना है, थोड़ा मजा लेना है। ओके ना, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, फोकस ऑन ड्यूटी। इसलिए ड्यूटी ही आपका क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस का सोर्स होना चाहिए। दी सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस शुड बी ड्यूटी, नॉट दी फोर्स। फ्रूट मिलेगा लेकिन ड्यूटी में मजा आना चाहिए। कोई खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में उसको मजा आना चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए 4 घंटा जाता है, खाने के लिए तो 4 मिनट। आपको 4 घंटे का मजा चाहिए या 4 मिनट का मजा चाहिए? 4 घंटे का चाहिए। 4 घंटे का मजा लेंगे तो 4 मिनट का भी मिलेगा, लेकिन 4 मिनट ही आपका फोकस रहेगा तो 4 घंटे में मजा नहीं दे सकते। तो जीवन का अधिक समय हमें क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं, फल कम समय के लिए हम भोगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ड्यूटी में मजा लेता है, द पर्सन हु एंजॉयज हिज ड्यूटी, ही इज एक्चुअली क्या है, हैप्पी पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट पर्सनैलिटी इज नोन एज डंकी। लेकिन एक गद्दा, बट मैं गधा नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट आई टू से हैप्पी पर्सनैलिटी, क्योंकि उसका फोकस केवल किसके ऊपर रहता है, ड्यूटी के ऊपर रहता है। इसलिए जो स्टूडेंट आप लोग को ड्यूटी, आपका जो स्टडी है उसके ऊपर अधिक फोकस करो। फल आपने डिसाइड किया है, यहां पर जो भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये नहीं फल के बारे में चिंता नहीं करना, इसका अर्थ ये है फल के बारे में अधिक चिंतित नहीं रहना है। बिना फल का चिंता करके कोई काम करता है क्या संसार में? देखा आपने? नहीं, फल का चिंता करते हैं। आप स्टडी कर रहे हो तो किस लिए? मार्क्स नहीं, पैसा है कि नहीं? आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, उसके लिए मार्क्स है। तो आपका गोल है, आपका कैरियर है, आपका गोल है। तो कैरियर आप सोचते हो, जानते हो, क्योंकि कैरियर के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। किसके लिए चिंतित होना चाहिए? ड्यूटी के प्रति, स्टडी के प्रति, कर्मों के लिए जनरल हमें प्रयास करना चाहिए, तब जाके मजा आता है। तो मेन पॉइंट यहां पर पहला जो कर्मणि एव अधिकार है, तू फोकस ऑन ड्यूटी। सेकेंड, मा फलेषु कदाचन, भगवान यहां स्पेशल शब्द यूज करते हैं, मा फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं, गलती से भी फल के प्रति अटैच मत रहे। यहां पर मा फलेषु कदाचन का अर्थ है जनरली फल जो है आपको मिलेगा और नहीं मिलेगा इसका डिसीजन आपके हाथ में नहीं रहता है। कर्म करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन फल देने का अधिकार और किसके पास है? उसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। मया अध्यक्षता प्रकृति ही, मेरे अध्यक्षता से प्रकृति चलता है, मैं बॉस हूं। आप कर्म करो, फल मैं देता हूं। तो यहां पर जब भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि कर्म फल देने का अधिकार कृष्ण के पास है और कर्म करने के अधिकार जीव के पास है। ओके ना, तो जीवात्मा सोल हैज द राइट टू वर्क एंड परमात्मा सुपर सोल हैज द राइट टू प्रोवाइड द फूड। आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ गारंटी नहीं। संसार में बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखा, जितने लोग कहते हैं हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, नहीं, हार्ड वर्क करने वाले भी सक्सेस नहीं हुए, स्मार्ट वर्क करने वाले भी सक्सेस नहीं हुए। और कभी कभी ऐसा देखा गया है वर्क नहीं करने वाले सक्सेस हो। ओके ना, स्टडी हार्ड करने से जनरली सक्सेस नहीं मिलता, स्मार्ट स्टडी करने से भी सक्सेस नहीं हो मिलता है। कभी क्या है, लोग कुछ पढ़ते नहीं है लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और फर्स्ट क्लास मार्क लेकर आते हैं, मैनेजर भी बन जाते हैं, सीईओ भी बन जाते हैं,
इस प्रकार भी एग्जाम्पल से है मार्केट। तो वह नहीं तो क्वेश्चन है आपको कि कर्म करने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अब देखेंगे धृतराष्ट्र ने कितना प्रयास किया है, कितना प्लान किया है राजा बनने के लिए, दुर्योधन को राजा बनाने के लिए। सक्सेस हुआ, कर्मणे अधिकारे माफ ले सो कदाश, कर्म फल कौन देता है, कृष्ण देता है। कर्ण ने कितना प्रयास किया सर्वश्रेष्ठ धनोधर बनने के लिए, फल मिला नहीं मिला। कर्मणे अधिकारे माफ ले सो कदाश, युधिष्ठिर महाराज ने कितने ट्राई किए दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ संबंध अच्छा करने के लिए, फल मिला नहीं मिला। दशरथ महाराज ने प्लान की राम जी को राजा बनाने के लिए, फल मिला नहीं मिला। कैकेयी ने प्लान की भरत को राजा बनाने के लिए और स्वयं राज माता बनने के लिए, लेकिन फल मिला नहीं मिला। गांधारी ने प्रयास की दुर्योधन को बचाने के लिए, लेकिन फल मिला नहीं मिला। द्रौपदी ने प्रयास की अपना वस्त्रहरण को, वस्त्रहरण का लज्जा से बचने के लिए, फल मिला मिला ओके क्यों, भगवान ने फल उनको दिए। लेकिन दुर्योधन ने प्रयास किया वस्त्रहरण करने के लिए, फल मिला नहीं मिला। दुर्योधन ने प्रयास किया सुभद्रा के साथ शादी करने के लिए, फल मिला नहीं। अर्जुन ने प्रयास नहीं किया लेकिन मिल गया क्यों, कर्म ने वो अधिकार है तू माफ ले सो कदाच, कृष्ण फल देते, आप केवल क्या कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते। महाभारत युद्ध में हम देखेंगे अभिमन्यु ने ट्राई किया चक्रव्यूह को भेद किया, लेकिन सप्त रथ को, रथ को मारने के लिए प्रयास किया अपना स्किल से, पावर से, बल से, फल मिला नहीं मिला। क्यों, कृष्ण की इच्छा नहीं। अर्जुन ने नेक्स्ट डे ट्राई किया जयद रथ को मैं मार दूंगा, तीन बार परिश्रम कर रहा है जयद रथ को मारने के लिए, जयद्रथ को पूरा दिन भर वो देख नहीं पाए, मारने के बाद छोड़ो उसको छुपा के रखे थे। और सब समस्त सैनिक जो चक्रव्यूह था तोड़ तोड़ के वो जा रहा है जयद्रथ के पास, लेकिन उसको देखा ही नहीं, पूरा दिन बीत गया। प्रण लिया था कि मैं सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं जीवन का अस्त कर दूंगा, मैं मेरा जीवन का अस्त कर, अग्नि लगा के मैं आत्मदाह करूंगा। सूर्यास्त हो गए, अग्नि जला दिया, और ये लोग प्रयास कर रहे जयद्रथ को बचाने के लिए, छुपा के रखे चक्रव्यूह में। कृष्ण ने इच्छा और कुछ अलग, कौन सक्सेस होगा, अर्जुन या जयद्रथ? सूर्यास्त हो चुका है, अर्जुन ने अग्नि दहन कर दिया है, कैंडल नीचे रख दिया, अग्नि में घुसने के लिए जा रहा है, और जयद्रथ बोलता है अर्जुन को मरते हुए मुझे दिखना है, भाग भाग कर आता है, अर्जुन के सामने खड़ा होता है। उस समय पे कृष्ण कहता है अर्जुन सूर्यास्त हुआ नहीं, देख सूर्य उधर ही अभी तक। अर्जुन देखता है, कांडी उठाता है और जयद्रथ को मारता है। तो किसके हाथ में फल है, आपके हाथ में नहीं, फल किसके हाथ में, कृष्ण के हाथ। कर्मणी एव अधिकारे तो मा फलेषु कदाचन, इस शब्द स्पेशल यूज किया गया, सिर्फ मा फलेषु करके बंद नहीं किया भगवान, कदाचन कभी भी, क्यों थोड़ा सा भी आपका डिजाइन रहेगा कि मैं फल का अधिकारी हूं, मैं ही फल निर्माण करता हूं, मैं कर्म करता हूं मुझे फल मिलना चाहिए, मैं करता हूं, ये भाव क्या करता है आपको दुख देता है। इसीलिए सुखी वो व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि कर्म करने का राइट हमारे पास है और फल देने का राइट किसके पास है, भगवान के पास है और किसके पास नहीं।
अभी हमारा फार्म में आप देखेंगे, फार्म में जनरली कुकिंग करते हैं, कुक्स जो रहते हैं कर्म करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पकौड़ा बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, 10 घंटा बनाया सब कुछ। बाद में जब कुक कहते हैं मुझे खाना है, तो उनको दाल राइस और पटाटा का सब्जी मिलता है। कर्म ने वो अधिकार थे, माँ फले सो कदाच। वो मैनेजर बोलता है, ये जो आहार है, ये जो फीस है, आप लोग के लिए नहीं, वो किसके लिए है? ओपीडी डिपार्टमेंट, जो गेस्ट बुकिंग करके आए हैं ना, उनके लिए। आपके लिए कौन सा सब्जी है? राइस दाल सब्जी। इसको कहते हैं कर्मणि एव अधिकारते, मा फलेषु कदाच। कर्म का फल कौन देता है? मालिक देता है। एम्प्लॉई को सिर्फ क्या करना है? कर्म करना है। कभी मालिक का इच्छा है तो देगा, मालिक का इच्छा नहीं तो देगा नहीं। इसे आप टेंशन मत लो। मालिक किस प्रकार विचार करता है? पूर्व कर्मों के अनुसार विचार करके आपको फल देता है। सिर्फ कर्म को विचार करके फल नहीं देता है। दानव और देव दोनों ने परिश्रम किया समुद्र मंथन में, एक जैसे परिश्रम किया है। दानव अधिक परिश्रम किए हैं क्योंकि बासु के नाक का मुख को पकड़कर वो खींच रहे थे, देवता लोग पूंछ को पकड़कर खींच रहे थे। तो बासु के नाक का मुख को जब पकड़ते हैं, बासु के नाक जो है अपना मुख से अग्नि निकल जाता, और इस अग्नि से दानव दहन होकर कष्ट पाकर खींच रहे। कितना कष्ट उठे, और हजार हजार वर्ष तक ये मंथन चला, एक दिन का नहीं, 2 दिन का, इतना परिश्रम की। लेकिन जब अमृत निकला किसको मिला? देवताओं को मिला। क्यों? कर्मणि एव अधिकार है, मा फले सो फल। में किसको देना है मुझे, किसको नहीं देना है, वो कौन डिसाइड करता है? कृष्णा डिसाइड करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये तत्व को ठीक से जान पाता है वो इनके संसार में सुखी रहता है। रामायण में आप देखेंगे भगवान राम ने सबको भेजा चारों दिशा में सीता जी को ढूंढने के लिए, लेकिन हनुमान जी सक्सेस हुए। कर्मणि एव अधिकार थे, मा फले सो कदाच। सुग्रीव ने ट्राई किया, बाली को जाके बोला राम मेरे से युद्ध कर। बाली आता है सुग्रीव के साथ युद्ध करता है, मारता है जोरदार, लेकिन उसको इतना धुलाई करता है, इतना धुलाई करता है, बीच में सुग्रीव देखता है राम किधर है, लेकिन इधर उधर देखता है तो 2 थप्पड़ और लगता है। सुग्रीव डर के मारे भाग के आ जाता है। कर्मणि एव अधिकार है, मा फले सो कदाच। कभी इच्छा मत करो। आगे सुग्रीव राम जी को बोलते हैं कि आपने बोला था और मैं मार खा रहा हूं, आपने मारा नहीं, आप मुझे पहले ही बता देते थे कि मुझे मारना नहीं तो मैं युद्ध करने के जाता ही नहीं था। नम्र भाव से बोल रहे, इसे गुस्सा नहीं कर रहे हो राम के ऊपर। बाद में राम जी बोलते, नहीं नहीं गलती हो गया, अब दोनों एक जैसे दिख रहे थे, कपड़ा भी एक जैसे था, इसलिए पहचान नहीं आ पाया, इसलिए आप एक काम करो अभी जाओ। लक्ष्मण जी का एक पुष्पहार, एक लता को निकालते हैं और सुग्रीव के गले में डालते हैं। फिर से जाके बोलता है, आजा पहले युद्ध करें। बाली बोलता, फिर से आए, हाथ पर फ्रैक्चर करके भेजा है, फिर भी आ गए वो, तो युद्ध चलता है। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, बाली को मारते। कर्मणि एव अधिकार थे, मा फले सो कदाच। अंबानी धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दोनों को सेम वर्ग का संपत्ति मिला, लेकिन एक सक्सेस हुआ और एक फेलियर। कर्मणि एव अधिकार मा फले सो कदाच। इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पता चलता है, डोंट वरी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपन हरि।
डोंट बी सरी बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड अपन हरी. डोंट बी हरी एच यू आर आर वाई ओके ना बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपन हरी. ये समझ कर आपको क्या करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए. ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना. पहला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन ड्यूटी. सेकंड पॉइंट क्या है, डिटैच्ड फ्रॉम फोर्स, रिजल्ट से डिटैच्ड रहिए. आपको ये समझना होगा कि भगवान का अधिकार है फल देने का, मेरा अधिकार भी ये फल नहीं. दैट इज द पॉइंट. थर्ड पॉइंट, मां कर्म फल हेतु यहां पर गए थे. मां मतलब नहीं, कर्म फल का हेतु भी आप नहीं, कर्म फल आप निर्माण नहीं करते हो, आपके कारण कर्म फल निर्माण होता नहीं, वो प्रकृति बनाता है. ये संसार जो चल रहा है प्रकृति से चल रहा है, प्रकृति चल रहा है, कर्म फल निर्माण करता है. कर्म फल की इच्छा कौन करता है, जीवात्मा करता है, और कर्म करने की जो इच्छा है जीवात्मा करता है, लेकिन जो फल बनाता है प्रकृति बनाता है. तो ये शरीर एक प्रकृति, इसके भीतर आप इच्छा करते हो ओके. आप इच्छा करते हो मुझे डांस करना है, इच्छा करने से आप डांस कर दोगे. डांस करने के लिए क्या होना चाहिए, पैर होना चाहिए, प्रकृति होना चाहिए. आपके पास पैर ही नहीं और आपको डांस करना है, तो कर्मणीय अधिकार. आप इच्छा किया और डांस सीखने के लिए प्रयास किया, लेकिन सीख पाएंगे नहीं, लोग हंसेंगे डांस कर जाते क्यों, पैर ही नहीं आपके पास ओके. आपको अच्छा गाना है, हमारा जय सच्चिदानंद प्रभु जी से कीर्तन करना है. आप इच्छा कर सकते हो, ट्यून प्रैक्टिस भी कर सकते हो, निकलेगा क्या आपका गला कैसा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गला के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर नहीं. तो प्रकृति जो है फल निर्माण करता है, तो प्रकृति एक फैक्ट्री जैसे, वो कॉज है, फल निर्माण का इंस्ट्रूमेंट है, कारण है. तो फार्मर बीज डालता है, कर्म कर देगा, लेकिन बीज को, बीज उगना, उसमें फूल आना, फल आना किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा मिट्टी है तो उगेगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर ठीक ठाक है तो फल आएगा, बारिश ठीक ठाक हुआ है तो फल आएगा. लेकिन नहीं है ये सब, बारिश ठीक ठाक नहीं, टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं, मिट्टी ठीक ठाक नहीं, अच्छा बीज आपने डाला तो जबरदस्त परिश्रम किया होगा नहीं. तो हेतु, प्रकृति जो है हेतु, आप हेतु नहीं, ये शरीर आप नहीं, ये शरीर एक प्रकृति है. यू अंडरस्टैंड, जैसे आप वो किसको मैसेज डाला, लेकिन एंटर दबाया मैसेज चला गया, आप क्या बोलते हो, मैंने भेज दिया, बाद में इंटर दबा दबाया तो मैसेज आ ही नहीं, तो क्या बोलते हो आप, नेटवर्क भी ठीक नहीं था पहले आपने भेज दिया, अभी क्या है, नेटवर्क नहीं है. तो पहले भेजा कौन, आपने भेजा, नेटवर्क ही भेजा. तो कॉज जो है प्रकृति है, तो इसीलिए मां कर्म फल हेतु, अब कर्म फल का हेतु आप नहीं. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी जनरल भारत में देखा जाता है कि हस्बैंड काम करने के लिए जाते हैं और आते आते पनीर बना के पनीर लेके आते हैं घर पे, आज पनीर का सब्जी बनेगा खाएगा जबरदस्त, इस प्रकार विचार करके ले आता है. कर्म किया पनीर लिया, नंबर वन पनीर लिया, और इच्छा भी किया कि आज पनीर खाने को मिलेगा, पनीर टिक्का खाने को मिलेगा. तो घर पे लेकर आता है, वाइफ को बोलता है पनीर बनाओ, तो वाइफ क्या करते हैं, पनीर बनाता. प्रकृति, वाइफ कौन है यहां पर, प्रकृति नहीं, वाइफ यहां पर बनाने वाले ओके, बुद्धि लगा के बनाते हैं,
प्रकृति क्या है? गैस चूल्हा है। तो चूल्हा है वो प्रकृति, और वाइफ का जो शरीर है वो भी प्रकृति है। तो ये प्रकृति से क्या बनता है? पनीर बनता है। पनीर बन गया है, हस्बैंड वेट कर रहा है कि पनीर टिका मिलेगा, स्मेल भी आ रहा है, जाके बैठ गया। वाइफ को बोलता है कि थोड़ा पनीर टिका खिला दो, वाइफ बोलती है सारे पनीर टिका बच्चे खा लिए, आपके लिए कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं कर्मणे एव अधिकार है, तुम आप फले सो चला चला। होता है ना ऐसे कभी कभी, हाँ फल मिला नहीं उसको। क्यों नहीं फल मिला? क्यों नहीं? क्योंकि वाइफ ने दी नहीं। ओके ना, तो जो वाइफ कौन है? कृष्णा। देने की इच्छा ही नहीं उसको, यू अंडरस्टैंड ना। इसीलिए जनरली क्या है, बच्चे को सब खिला दे, आज मजा लेता हूं, देखता हूं कैसे पनीर खाता है। ओके, दैट इज एग्जैक्टली कृष्णा। तो कृष्णा क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग कौन है? वर्कर। और प्रकृति क्या है? प्रोड्यूसर। कृष्ण कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पास केवल कर्म करने की अधिकार है। इसीलिए संसार में देखा जाता है कुछ कुछ कर्म में हम सक्सेस होते हैं और कुछ कुछ कर्म में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जब सक्सेस होते हैं हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ने हमें फल दिया है। जो फेल हो जाता है हमें समझना चाहिए कृष्ण ने हमें फल नहीं दिया है, तो चिंता करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेस में ये नहीं मानता है कि कृष्ण ने हमें फल दिया है, तो फेलियर में भी कभी विचार नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों एक साथ चलना चाहिए। कर्मणे वो अधिकार है, तो आई हैव द राइट फॉर वर्क, बट आई डोंट हैव द राइट टू अटेन द फ्रूट, एंड द राइट टू गिव फ्रूट इज देयर विद द गॉड कृष्ण। जब ये समझ में आ जाता है व्यक्ति क्या है? सुखी होता है। ये थर्ड पॉइंट, डिराइव दैट आई एम द कॉज। अब इसको डिराइव करना है, आपको मानना है कि मैं कारण। तो कर्म का कारण आप नहीं, हेतु आप नहीं, फल का अधिकारी भी आपको नहीं, देने का अधिकार आपके पास नहीं, और कर्म करने का अधिकार आपके पास है। और लास्ट पॉइंट है, माते संगस्तु अकर्मणी। इसका अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं कि नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। माते संगस्तु अकर्मणी, आपका कर्तव्य करना नहीं है, काम नहीं करना है, उसके प्रति भी अटैच मत हो। ऐसा बोला, अरे कर्म करने का मेरा अधिकार है, फल कृष्ण देने वाला है, प्रकृति सब कुछ कर, मैं कुछ करेगा ही। इसलिए भगवान एंड में क्या बोलते हैं? माते संग, संग मतलब अटैचमेंट, संग से अकर्मणि, काम मुझे नहीं करना है, आपने ड्यूटी को निभाना नहीं है, क्योंकि गारंटी कुछ नहीं है फल मिलने का, क्यों ड्यूटी करने का, इस प्रकार आप सोचे। इसलिए भगवान लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन में क्लैरिटी दे रहे हैं, नहीं आपको ड्यूटी क्या है करना है, नहीं करने के प्रति अटैच नहीं करना भी अटैचमेंट ना, कर्म करना और फल की इच्छा करना भी एक अटैचमेंट है, फल मिलेगा नहीं, नहीं करना है, ये भी क्या है अटैचमेंट। अर्जुन का स्थिति ऐसे कि मुझे अच्छा फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने सोचा मरने वाले हैं, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं यहां पर, माते संगस्तु अकर्मणि। आप अर्जुन का अटैचमेंट क्या है अभी किसके ऊपर है? अकर्मणि के प्रति अटैच, कर्म नहीं करना है उसके प्रति वो आसक्त है। तो कर्म करने के प्रति हमारा आसक्ति होना चाहिए, ओके ना, फल के प्रति आसक्ति, ड्यूटी के प्रति फोकस होना चाहिए। तो यू शुड हैव अटैचमेंट फॉर ड्यूटी, नॉट फॉर द फ्रूट्स और नॉट फॉर वर्किंग आउट, उसके प्रति भी अटैचमेंट नहीं। तो कहने का अर्थ है भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं, यू डू योर ड्यूटी। तो ये फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, यू डिफर फ्रॉम नॉट वर्किंग। तो ये फोर डी आप याद रखिए, पहला डी फर्स्ट फोकस ऑन ड्यूटी, सेकेंड डी डिटैच फ्रॉम फूड्स, थर्ड डी डिराइव दैट आई एम द कॉज, फोर डी डिफर फ्रॉम नॉट वर्किंग।
ये 4D फॉर्मूला में आप जीते हो तो आपका लाइफ क्या बन जाता है? डिवाइन लाइफ बन जाता है. यू आर लिविंग इन डिविनिटी. दैट इज एग्जैक्टली क्या है सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ. दिस वर्स इज एग्जैक्टली सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ. अब इस प्रिंसिपल को आत्मसात करते हो, मानते हो, तो जनरली एक पेन फ्री लाइफ आप क्या कर पाते हो? जी पाते हो. और एक्चुअली आप प्रेजेंट में जीते हो. तो आप देखेंगे पास्ट जा चुका है, फ्यूचर है ही नहीं. पास्ट डजंट एग्जिस्ट, फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट, प्रेजेंट एग्जिस्ट. प्रॉब्लम क्या है? हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते. वी डोंट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट. इफ यू एग्जिस्ट इन प्रेजेंट देन दैट इज एक्चुअली क्या है? हैप्पी लाइफ. प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इधर बैठी हो, कुछ प्रॉब्लम है आपका? नहीं, ये बैठ के सोचेगा. यू अंडरस्टैंड कि नहीं, क्लास कभी खत्म हो तब चिंता में आ जाओगे, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे. बैठ के हम सोचेंगे मुझे लास्ट टाइम ये सब वर्ड बोलना नहीं चाहिए, पास्ट के बारे में हमने सोचा, तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे. तो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो दुखी. प्रेजेंट के बारे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो भी क्या है? बी इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, सब प्रॉब्लम पास्ट में है और फ्यूचर में. और हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में जीते ही नहीं. तो इसलिए आत्मा को कहा जाता है सत्व, सत्य. वो है, उस है में हम जिएंगे तो खुश रहे. दैट इज द पॉइंट. लेकिन ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं? पास्ट में, फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते ही नहीं. तो कहने का अर्थ है डोंट लिमिट फॉर पास्ट एंड डोंट फियरफुल फॉर फ्यूचर, बट लिव इन द प्रेजेंट. देयरफॉर प्रेजेंट इज नोन एज प्रेजेंट. ओके ना? इट इज ए प्रेजेंट फॉर यू. गिफ्ट, प्रेजेंट मतलब क्या है? गिफ्ट बोलते ना, प्रेजेंटेशन. मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेकर आया, गिफ्ट लेकर आया. तो प्रेजेंट इज ए प्रेजेंटेशन फॉर यू. इफ यू लिव इन प्रेजेंट थिंकिंग दैट प्रेजेंट इज ए प्रेजेंटेशन, देन वी विल बी फ्री फ्रॉम टेंशन. अदरवाइज इट विल बी प्रेजेंट इन ओनली टेंशन. Okay. Or you will present your tension. That is present tension. It's like that. Therefore, आपको generally future और past के बारे में इतना focus नहीं करना है. Focus on your duty, कर्तव्य, राम. राम को राजा बनाने वाले थे, कितना खुश थे राम. बाद में 12 बजे फोन आता, लेकिन बेटा वनवास जाएंगे. राम रोए नहीं, राम उस समय पर सोच रहे वनवास के लिए प्रिपेयर हो. प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट. राम सोचे नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं कौन सा पाप किया था, ये कैकेयी को इतना प्रेम मैंने दिया जीवन भर, कैकेयी माँ ने मुझे वनवास भेजा, ये पिताजी कैसे मेरे जिएंगे, मेरे बिना पिताजी जी नहीं सकते, मर जाएंगे, मरने नहीं जाऊंगा, इस प्रकार विचार नहीं करते. राम जी तुरंत प्रिपेयर होते किस लिए? वनवास के प्रेजेंट. छोड़ो अभी, उनके ऊपर मुकुट रहता है, अभिषेक करने के लिए कुछ कुछ मुकुट, कुछ वस्त्र, हार, सब कुछ पहनाया जाता है, श्रृंगार व्यवस्था होता है अभिषेक के लिए स्पेशल. और कोई की क्या बोलते हैं? वल्कल वस्त्र में जाना है. तो भगवान राम उस मुकुट को, उस श्रृंगार को निकाल के रखते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हुए जाते हैं. यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज एक्चुअली क्या है? प्रेजेंट, एग्जिस्ट इन प्रेजेंट. और वो कौन व्यक्ति जो कि प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर सकता है? जिसका फोकस ऑन ड्यूटी. आपका फोकस ड्यूटी पे नहीं है तो आप प्रेजेंट में जी नहीं सकते. आपके लिए प्रेजेंट टेंशन ही रहेगा, वो प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा आपके लिए, गिफ्ट नहीं रहेगा आपके लिए, दुखी होगा आपके लिए. तो राम क्या करते हैं?
ड्यूटी के लिए वो जीते थे। अभी मेरा क्या ड्यूटी है? पहले पुत्र के रूप में राजा बनना था, ड्यूटी का जी का आदेश। अभी क्या बोल रही मन में जब जाएंगे प्रयास पूरा दुनिया किया है उनको लोटा के लिए आने के लिए, लोटेरा नहीं, फोकस ऑन ड्यूटी। देयरफॉर दिस इज द सीक्रेट फॉर हैप्पीनेस, दिस फोर डी, डी फॉर ड्यूटी, फोकस ऑन ड्यूटी, सेकेंड डिटैच फ्रॉम फूड, थर्ड डिराइव दैट आई एम नॉट द कॉज, फोर्थ डिवोर्ड फ्रॉम नॉट वर्किंग। तो ये फॉलो अप करेंगे यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, स्ट्रेस फ्री फर्स्ट, ओके। तो भगवान जो बोलते हैं ना समत्व, समभाव कैसे प्राप्त करना, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द प्रैक्टिस। कर्मणि एव अधिकारे तु मा फलेषु कदाचन, इफ यू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट दैट इज इक्वानिमिटी, अशांत रहो, समभाव में रहो, अदरवाइज देयर विल बी डिस्ट्रेस। प्रभुपाद जी लिखते हैं राइट द थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन, तीन प्रकार के एक्शन क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कैप्रिशियस ड्यूटी और इनएक्शन। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो कि वेद शास्त्र में लिखा गया है, कैप्रिशियस ड्यूटी मतलब ह्यूमिसिकल ड्यूटी, अपना मन के हिसाब से कर रहे हो, किसका सुन नहीं रहे हो, और इनएक्शन मतलब क्या है, नॉट परफॉर्मिंग आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है हम उसको नहीं कर रहे, वो क्या है इनएक्शन। तो ये थ्री प्रकार जो एक्शन है इससे हमें बचना चाहिए, मैंने इनएक्शन से हमें बचना चाहिए और कैप्रिशियस एक्शन से बचना चाहिए, बट प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हम करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। What is the result of attachment? The result of attachment is suffering and enjoyment. Success मिला तो उसमें मजा आएगा, fail हो गए तो उसमें हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, because of attachment. Therefore, detachment is enjoyment. Attachment is anxiety. तो फल के ऊपर अटैच नहीं रहना। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ नहीं है कि फल के बारे में चिंता नहीं करना है, फल का इच्छा नहीं करना है। बिना फल के इच्छा से कौन कार्य करे? संसार में से कोई व्यक्ति है बिना फल के? मैं हॉस्पिटल आया है बस, किसी ने आया है इंजेक्शन डॉक्टर दे रहे हैं, मेरा इच्छा नहीं है। आपका इच्छा क्या है? सब कुछ करना है, ठीक हो गया तो भगवान की इच्छा, ठीक नहीं हुआ तो भगवान के पास जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज एंजॉयमेंट एंड अटैचमेंट इज एंजाइटी। That is the secret. तो जनरल ऐसा एग्जाम्पल देता हूं, मानो कोई पार्टी से आपको न्योता आया है, तो आपका इमेजिनेशन पार्टी में जाएगा, आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन पार्टी में जाएगा बिरयानी पुलाव मिलेगा, पार्टी में जाएगा तो पकौड़ा, ये सब आइटम आपने सोच के गए, और आपने पार्टी में गया तो आपको बटाटा वड़ा ही मिला, तब दुखी हो जाओगे ना, क्योंकि आप क्या सोच के आए थे, और बहुत कुछ बड़ा बड़ा आइटम सोच के आए थे, पटाटा वड़ा मिला था क्या, अरे ये क्या ठेला वाला देता है, ये इधर पार्टी में है, अब स्ट्रेस हो जाओ, स्ट्रेस में क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन अधिक है, उसके प्रति आप अटैच्ड है, ओके। लेकिन आप पार्टी में क्यों जा रहे हो? बस दोस्त ने बोला है इसलिए हम जा रहे हैं, बस दिस इज माई ड्यूटी टू अटेंड पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। और उधर आपको बटाटा वड़ा मिले या आपको पनीर टिक्का मिले, लेकिन या पिज्जा मिले, आप खुश रहो, क्यों? आप किसके लिए आया है? ड्यूटी के लिए आया है, फल की इच्छा से आपने आया नहीं, कुछ तो मिले खाने, तो आपका फोकस ड्यूटी है, तो अटैचमेंट नहीं रहेगा फूड के प्रति, तो आप क्या रहोगे? स्ट्रेस फ्री रहोगे, अटैच रहोगे तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। एक व्यक्ति के घर पे साधु गया तो वहां का जो पुरुष था वो दुखी था, वो रो रहा था। साधु ने पूछा आप क्यों रो रहे हो?
ना महाराज मेरा 5 लाख लॉस हो गया बिजनेस, इसलिए मैं रो रहा। बाद में वाइफ को देखे बाजू में, वाइफ आराम से हंसते हंसते चाह पी रही, तो सबने पूछा आप तो इतना आनंद दिख रहे, आनंदित दिख रहे, इसका कारण क्या है? 5 लाख प्रॉफिट हो। तो साधु कंफ्यूज, इसको 5 लाख प्रॉफिट हुआ बोल रहा है बिजनेस में, और हस्बैंड बोल रहा है 5 लाख लॉस हुआ है। तो साधु को एक चिंता हो गया। तो बाद में वाइफ को पूछे कि आप बोल रहे हो कि 5 लाख प्रॉफिट हुआ है और ये बोल रहे हैं 5 लाख लॉस हुआ, एक्चुअली क्या हुआ? नहीं, 5 लाख प्रॉफिट ही हुआ, इसलिए मैं मजे से खुशी से चाय पी रहा हूं। बाद में हस्बैंड को पूछते क्या आप क्यों रो रहे हैं? नहीं, क्योंकि 5 लाख लॉस हुआ है मेरा। बाद में वाइफ को बोले कारण बताओ तुम दोनों का, सत्य क्या है? सत्य ये है 5 लाख फायदा हुआ है। कि रो क्यों रहे हैं? इसलिए वो रो रहे हैं क्योंकि उनका इच्छा क्या था कि मुझे 10 लाख प्रॉफिट होगा, 10 लाख नहीं हुआ 5 लाख हो गया, इसलिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि मेरा 5 लाख लॉस हो गया, इसलिए रो रहे। उसका नहीं, 10 लाख सोचा, 5 लाख मिल गया तो खुश होना चाहिए। नहीं नहीं, 10 लाख मिलना ही था लेकिन मिला नहीं, ये मेरा लॉस ही है। मन में वो सोच कि वो फूड्स के प्रति अटैच्ड है, इसलिए विचार को दूर नहीं कर पाते, रोते हैं। ज्यादातर जो दुख है हमारा मन में ही रहता है, प्रैक्टिकली ज्यादा दुख संसार में नहीं है। अब रियलिटी में देखेंगे ज्यादातर दुख मन के विचार ही रहता है, इसलिए विचार का जो उपचार है कर्मणि एव अधिकारे तो मा फले सुखदाय मा कर्म फल हेतु तो मा ते संगस्तो अकर्मणि। दिस इज एग्जैक्टली सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क एंड डिजायर्ड ड्यूटीज। ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी वेद में जो लिखा गया है। रूटीन वर्क मतलब क्या है? डेली एक्टिविटी, सुबह उठना, ओके, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अंडरस्टैंड ना? और सूर्यास्त के पहले प्रसाद लेना, रात को नहीं खाना, दैट इज क्या है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। और पिता माता का सेवा करना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, संतान का पालन पोषण करना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, भगवान कृष्ण का पूजा करना, वेद शास्त्र पढ़ना, वो भी क्या है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। ये रूटीन ड्यूटी जो कि हमें करना है। इमरजेंसी कभी कभी आता है, लेकिन बुखार है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ओके ना? बुखार भी और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इमरजेंसी, तो उसमें आपको कभी कभी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी को रोक सकते हैं। विपत्ति में आप पड़े हैं, ठीक है? झूठ बोलेंगे तो मुक्त हो सकते हैं, झूठ बोल देते हैं, क्या है? इमरजेंसी, डेली झूठ मत बोलना, विपत्ति में कभी पड़ गया, अंडरस्टैंड? किसको बचाना है तो झूठ बोल के आप क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। किसका विवाह करना है, कोई लड़की का स्पेशल शास्त्र कहता है इसका विवाह नहीं हो रही लेकिन झूठ बोल के विवाह कर दी तो क्या है? वो पुण्य में आता है। इमरजेंसी मृत्यु से बचना है तो आप झूठ बोल सकते हैं। इमरजेंसी कूटनीति बोलते हैं उसको, झूठ नहीं है, और जल्दी क्या है? कूटनीति, डिप्लोमेसी, इस प्रकार कहते हैं, इट्स लाइक दैट। तो कभी कभी डिप्लोमेसी करना पड़ता है, जैसे वसुदेव ने डिप्लोमेसी किया ना कि मेरा 8 का 8 पुत्र आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो वंश, लेकिन जो 8वां पैदा हुआ दिए नहीं, इसको कहते हैं कूटनीति। तो वसुदेव जी सत्यवादी थे लेकिन कृष्ण ने उनका सत्य गुण मिटाए, तो राम के अवतार में पिता का सत्य पालन करने के लिए राम जी 14 साल वनवास चले,
और यहाँ पर कृष्ण का अवतार में क्या करते हैं, पिताजी का सत्य को नष्ट करके वनवास चला वृंदावन। दोनों सेम काम किए वनवासी के, लेकिन एक में सत्य का रक्षा किए, दूसरे में सत्य का नष्ट किए। एमरजेंसी वसुदेव के लिए क्या है, एमरजेंसी। और डिजायर्ड एक्टिविटी, डिजायर्ड एक्टिविटी मतलब क्या है कि आपको दया भाव का प्रकट करना, दान देना, लेकिन सहयोग करना, क्षमा करना, ओके, ये क्या है डिजायर्ड एक्टिविटी, ये करना आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के प्रिस्क्राइब ड्यूटी के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। Which duty leads to the path of liberation? Prabhupada kehte hain. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the ritual. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. So detached aap rahenge, detachment se kaarya karenge, तो जो एक्टिविटी कहां पे लेके जाता है, मुक्ति की ओर लेके जाता है। अटैचमेंट के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो वो ड्यूटी हमें बंधन में रखता है, इट्स लाइक दैट। तो मेन चीज है हमें अपना ओनरशिप मेंटेलिटी को त्याग करना है, हम करता है। तो ये जो वर्स है ये इनडायरेक्टली बताता है गिव अप योर ओनरशिप मेंटेलिटी, कर्ता भाव को त्याग करो। कर्ता कौन है, कृष्ण करता है, वो करता भी है और करता भी है, यू अंडरस्टैंड ना। हम लोग उन्हें करता नहीं और करते भी नहीं, प्रकृति करता है, इट्स लाइक दैट। तो ये ओनरशिप मेंटेलिटी को हमें त्याग करना है और कृष्ण का ओनरशिप मेंटेलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स गिविंग ऑफ आवर ओन ओनरशिप मेंटेलिटी and accepting Krishna's ownership, that is exactly लिखना है detachment। अदरवाइज आप डिटैच नहीं हो सकते। आप कृष्ण का ओनरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो, मैं ही मालिक, मैं ही करता हूं, तो डिटैचमेंट नहीं हो सकता, that is exactly लिखना है detachment। What is positive and negative attachment? तो प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं अर्जुन को यहां पर युद्ध नहीं करना है, that is क्या है negative attachment। Positive attachment क्या है, युद्ध मुझे करना है, किस लिए करना है, राजा बनना है, ये पॉजिटिव अटैचमेंट है। नेगेटिव अटैचमेंट क्या है, मुझे युद्ध नहीं करना है, बट रियल अटैचमेंट क्या है, कृष्ण के लिए युद्ध करना है, दैट इज एग्जैक्टली रियल अटैचमेंट। तो इस मेंटेलिटी के साथ हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो एक्सेप्ट विद सच कॉन्शियसनेस इज योगा। तो ये कर्मणीय और अधिकार के अनुसार हम जीते हैं, तो इस भाव से हम जी रहे हो तो उस चेतना को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं, दैट इज वर्स नंबर 48। योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनञ्जयः, सिद्धि असिद्धय समभूत्वा, समतम योग उच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपोइज्ड ओ अर्जुना, एबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर, सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। योगस्थ कुरु कर्मणि, तो कर्मणि एवं अधिकार के प्रिंसिपल के अनुसार आप जियो, दैट इज योगस्थ, वो योग है। संगम त्यक्त्वा धनञ्जयः, इस वर्ष में भगवान कैसे करना है, डिटैचमेंट में करना, संगम त्यक्त्वा डिटैचमेंट भाव से आपको करना है। सिद्धि असिद्धो समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सक्सेस और फेलियर में समभाव रहना। समत्तम योग उच्यते, ये समता को ही योग कहते हैं, जो जो कि आपने वर्ष नंबर 39 था है कि नहीं, सुख दुख समेकत्व 39, सेम वर्ड सेम थिंग, सिद्धि असिद्ध समत्व योग उच्यते, ये समत्व को ही योग कहते हैं। और ये समत्व कैसे मिलेगा, कर्मणि एव अधिकारे, दिस इज द वन ऑफ द की वर्स इन गीता। आप भक्ति करो या भक्ति नहीं करो, लेकिन कर्मणि एव अधिकारे को फॉलो कर दे, तब शांत रहो,
इसके डिटेल्स हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुभ बाल की।